24 दिसंबर का दिन भारत के लिए बेहद खास है। 24 दिसंबर को ही वास्को दी गामा, जिसने भारत की खोज की थी, उसका निधन हुआ था। 24 दिसंबर को ही भारतीय एयरलाइंस को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था, जिसके बदले में 3 आतंकियों को भारत सरकार ने रिहा किया था, जो आज भी पाकिस्तान की धरती पर जिंदा है। और आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर को ही भारत के बड़े गायकों में गिने जाने वाले मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। आइए अब इन सभी घटनाओं पर विस्तार से बात करते हैं। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत को तलाशा था और पूरी दुनिया को इसकी जानकारी दी थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली सैनिक था। वो अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचा और अपने पूरे जीवन में वो 3 बार भारत आया। उसने कई लड़ाइयां लड़ी और गोवा में लोगों का धर्मांतरण भी किया, ऐसा भी कहा जाता है। 24 दिसंबर 1524 को यानी आज ही के दिन भारत के कोच्चि में ही वास्को डी गामा का निधन हुआ था। दुनिया से सालों पहले विदा लेने वाले मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अविभाजित भारत के पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। देश के विभाजन के दौरान जो दंगे हुए थे, उसमें रफी के माता पिता भी मारे गए थे। इसके बाद उनकी पहली पत्नी ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया भारत को छोड़कर, जबकि रफी भारत में ही रुक गए। यहाँ पर उन्होंने बाद में दूसरी शादी की। उन्हें पहली बार 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका मिला था। इसके बाद उनके करियर को उड़ान मिली थी। आज ही के दिन यानी कि 24 दिसंबर के दिन, जब भारत समेत पूरी दुनिया क्रिसमस की तैयारी कर रही थी, तभी एक खबर ने पूरी खुशी में खलल डाल दिया था। और वो खबर थी कि कुछ आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कर लिया है। ये विमान काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली की उड़ान पर था। इसमें हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों का हाथ बताया गया। अपहरण के समय इस विमान में 176 यात्री समेत क्रू के कुल 15 सदस्य सवार थे। विमान को अपहरण कर पहले से पाकिस्तान ले जाने का फैसला किया गया था, लेकिन इसके बाद इस विमान को कंधार एयरपोर्ट पर उतारा गया था। आतंकियों की मांग के अनुरूप भारत सरकार को 3 आतंकी रिहा करने पड़े थे, जो आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो कभी भारत की जेलों में बंद थे। इसके अलावा 24 दिसंबर 1986 को भारत में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, इसीलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी कि 24 दिसंबर 2000 को विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। 24 दिसंबर 1959 को भारतीय अभिनेता अनिल कपूर का जन्म हुआ था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट, सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।